दोस्तों आउटसोर्सिंग के बारे में जो जो मुझे मालूम था जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने सब आपके सामने रख दिया मैंने यह भी बताया कि क्या करना चाहिए मैंने यह भी बताया कैसे करना चाहिए सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग अब हम बात करते हैं परमानेंट टीम हायरिंग की कि क्या जरूरत क्यों जरूरत और कब जरूरत पेश आती है टू हायर अ परमानेंट इन हाउस टीम मेंबर यानी के आपका अपना पहला इंप्लॉई के उस पहले इंप्लॉयी को हायर करने की जरूरत क्यों कब पेश आई जब पानी गिलास से मुसलसल बाहर निकलना शुरू कर दे तो समझ लो कि गिलास बड़ा करने की जरूरत आ पहुंची है एक वक्त अगर पानी गिलास से बढ़ जाए तो आउटसोर्सिंग की जरूरत आ पहुंचती है पर अगर पानी बार बार गिलास से ओवरफ्लो करे जो कि पानी आपका काम है आपका प्रोजेक्ट है आपका कमाया हुआ पोटेंशियल पैसा है तो यकीन जानो उसी वक्त ही अपना पहला एम्प्लॉय या अपने पहले एम्प्लॉज हायर करें यह बहुत ज़रूरी है बिकॉज आउटसोर्सिंग में आपका पैसा बाहर जाता है यू सेव अ लिटल बट विद द कंपनी यू फॉर्म यू एक्चुअली अन सेफ इसका मकसद ही यही है ना फ्रीलैंसिंग का इंडिपेंडेंट बिजनेस करने का कि आप पैसे सेव करें कमाना तो आप जॉब से भी कर रहे थे आपको सुबह नौ से लेकर पांच बजे तक हाँ बड़ी मुश्किल के बाद पर पहली या पहली से लेकर पांच तक तनख्वाह तो मिलती थी, क्या आप उसमें से सेव कर पाते थे नहीं नहीं तो जवाब फ्री लेंसिंग अगर जवाब फ्री लेंसिंग तो काम का बढ़ना इसका जवाब आउटसोर्सिंग, और काम का मुसलसल बढ़ी जाना इसका जवाब आपका पहला एम्प्लॉ तो जनाब जब काम मुसलसल बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता ही जाए तो दोस्तों समझ लो एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत आ पहुँची है अपना एम्प्लॉय रखें अल्लाह पाक सबको ऊपर से देने वाला हाथ बनाए नीचे से लेने वाला हाथ नहीं इसलिए मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना अल्लाह पाक का आप पे ख़ास करम होता है कि आप वसीला बनते हैं किसी के घर को चलाने का उसका सिलसिला रोज़गार बढ़ाने का आपको भी कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी ने एम्प्लॉयमेंट दी थी जब आपका काम बढ़ जाए तो समझ लें कि अल्लाह पाक ने आपको उस बड़े मुकाम के लिए रेडी करना शुरू कर दिया है जहां आप रोजगार प्रोवाइड करेंगे जहां आप ऊपर वाला हाथ बन जाएंगे